तो इस वजह से बड़ी केजरीवाल की रिमांड, सीएम बोले मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 4 दिन बढ़ा दिया है। अब उन्हें 1 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। ईडी ने 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पासवर्ड की जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसके कारण डिजिटल डेटा का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का डिजिटल डेटा से सामना कराकर पूछताछ करनी है। ईडी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के मोबाइल फोन के साथ ही तलाशी के दौरान जब्त की गई 4 डिजिटल डिवाइस से डेटा निकालना है क्योंकि केजरीवाल ने पासवर्ड नहीं दिया है। एएसजी ने कहा कि वे जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें आईटीआर नहीं दे रहे हैं। विशिष्ट न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा रिमांड बढ़ाने के संबंध में उचित आधार बताया गया है, ऐसे में आरोपित की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है। साथ ही निर्देश दिया कि केजरीवाल को 1 अप्रैल को 11:30 बजे पेश किया जाए। इससे पहले मामले पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल अपनी बात खुद रखना चाहते हैं। अदालत से अनुमति मिलने पर केजरीवाल ने सबसे पहले कहा कि वे ईडी अधिकारियों का धन्यवाद कहना चाहते हैं जो उनके साथ सभ्यता से पेश आए। हालांकि सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हिरासत में केजरीवाल को परेशान करने का आरोप लगाया। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ईडी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें किसी तरह फंसाना था। भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उनके नाम बस 4 जगह पर आया है। केजरीवाल ने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया की ओर दिए, तो मेरे आवास पर हर दिन कई विधायक आते हैं और फाइलों का लेन देन होता है, तो क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है। केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध नहीं करेंगे, ईडी जितने दिन चाहे हमें मंजूर है, ये राजनीतिक साजिश है। पेशी के दौरान मीडिया ने जब केजरीवाल से पूछा कि उपराज्यपाल ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता जवाब देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।